नमस्कार, मंजिल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है, कांग्रेस के बागी नेता चैतन्य शर्मा के जो पिता है राकेश शर्मा और हमीरपुर सदर से जो विधायक हैं वो आज शिमला नहीं पहुंचे। आशीष शर्मा शिमला नहीं पहुंचे और जो उनके वकील पहुंचे थे आज बालूंगी थाने शिमला में, उन्होंने बताया कि आशीष शर्मा बीमार हैं और इसके अलावा जो चैतन्य के पिता है वो भी बीमार हैं और उनके जो वकील है उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। पूरा अपडेट आपको बताएंगे। हालांकि जो इनको जमानत मिली थी, अग्रिम जमानत जो दी गई थी सुप्रीम हाईकोर्ट से, वो इसलिए दी गई थी, सशर्त दी गई थी कि आपने जो है वो कोर्ट आपने थाने में आना है और जो पूछताछ उसमें सहयोग देना है। पूरी खबर बताते हैं आपको और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें और बागियों पर आज खूब बरसे हैं सीएम सुक्खू। और आज जो एक कह सकते हैं बड़ी खबर है वो ये भी है कि ऊना में जो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आज अनुराग सिंह ठाकुर गए थे और उन्होंने बड़ा दावा किया है कि मैं कितने वोटों से जीतूंगा, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बागी एमएलए चैतन्य के पिता राकेश शर्मा और एमएलए आशीष शर्मा आज बालूगंज थाने में नहीं पहुंचे। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को बालूगंज पुलिस के समक्ष पेश होने की शर्त पर जो है वो अग्रिम जमानत दी थी, मगर दोनों पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए। आज इनके वकील विवेक शर्मा और दीपक वहां पर पहुंचे थे और वकीलों ने बताया कि जो कह सकते हैं आप आशीष शर्मा और जो राकेश शर्मा हैं वो बीमार हैं और उसके चलते उन्होंने कुछ और समय मांगा। वकीलों ने पुलिस से 1 सप्ताह का जो है वो वक्त मांगा। अब इस मामले को लेकर कल 16 मार्च को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या जज इस मामले को लेकर अगले क्या निर्देश देते हैं, क्या 1 सप्ताह का जो समय इन्हें पेश होने के लिए जो मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने जो है वो वहां पर समय मांगा है, पुलिस से समय मांगा है। लेकिन जिस प्रकार से आदेश जो दिए थे हाईकोर्ट ने, आदेश ये दिए थे कि आप 15 मार्च को जो है वो जो बालूगंज पुलिस थाना शिमला में है जहां पर इनके खिलाफ FIR हुई है और बहुत जो है वो इन पर आरोप लगे हैं, अलग अलग आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के लगे हैं, खरीद फरोख्त के लगे हुए हैं, वहां पर जो है वो पुलिस की जांच में सहयोग देंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज नहीं आए हैं और इनके वकील वहां पर पहुंचे थे और ये बताया जा रहा है कि ये बीमार हैं, तो कुल मिलाकर देखें अब इस मामले को लेकर कल जो है वो कोर्ट में क्या फैसला आता है वो आपको बताएंगे। फिलहाल CPS संजय अवस्थी और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सरकार गिराने को लेकर के ये आरोप लगाए हैं कि इन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची और भ्रष्टाचार तथा खरीद फरोख्त के आरोप इन पर लगाए गए हैं। और रिपोर्ट में दोनों नेताओं ने कई और बागियों पर, जो कांग्रेस के बागी है उनका भी जो है वो अंदेशा जताया, वो शामिल हो सकते हैं इस पर को, इसको लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। और बालूगंज में आरोपियों के खिलाफ 171C और ई, 120B एवं PC एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर SP जो पूरा मामला है इसको ASP नवदीप सिंह और DSP मानवेंद्र देख रहे हैं और शिमला पुलिस इस मामले को देख रही है। और चैतन्य के पिता के बारे में आपको बता दें, ये जो है वो राकेश शर्मा इनका नाम है, ये पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मुख्य सचिव जो है वो रह चुके हैं। तो खबर यही है कि ये आज जो है वो बालूगंज थाने में नहीं पहुंचे, इनके वकील पहुंचे थे, 7 दिन का समय पुलिस से मांगा है और ये बताया जा रहा है कि ये बीमार हैं, तो कल ये मामला फिर से कोर्ट में लगेगा जी। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के, हिमाचल में अब सभी बागियों और जो निर्दलीय विधायक हैं आप कह सकते हैं उनके घर पर CRPF ने डेरा डाल दिया है। आपको हमने बीते कल बताया था कि कुछ एक जो विधायक थे और कुछ एक कह सकते हैं आप जो बागी विधायक, बागी जो कह सकते हैं आप बागी नेता है और जो विधायक के निर्दलीय है उनके घर पर CRPF का डेरा है। आज की जो सूचना है सभी विधायकों के घर पर जो है वो CRPF जो है वो लगा दी गई है और विधायक 17 दिन से CRPF के घेरे में थे, पहले पहरे में थे, लेकिन अब घर पर भी जो है वो पहरा शुरू हो गया है। इनके 6 CRPF के जवान इनके घरों के बाहर लगा दिए गए हैं। घर पर अगर किसी सदस्य से मिलना है तो उसके लिए पहले इनसे पूछना पड़ रहा है, तभी ये अंदर घर में जाने दे रहे हैं, जो हमारी सूचना है। और खबर ये है कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है इनका, जिसमें इन्होंने जो है वो जो एंटी डिवेक्शन लॉ है बागियों का, उसके बाद फैसला क्या आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो जिस दिन सुनवाई होगी उसी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन जो सूचना है कि 18 तारीख के बाद 20 मार्च को ये जो बागी नेता है ये घर आ सकते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर इनके घरों पर जो है वो सिक्योरिटी लगाई गई है और ये 18 या 20 को जो है वो घर आ सकते हैं, जो सूचना हमारे पास है। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, इनको
भाजपा ने हमीरपुर से पांचवी मरतबा लगातार लोकसभा टिकट दिया है। अभी वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है और आज इन्होंने एक बड़ा दावा किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बड़ा दावा किया है कि मैं 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करूंगा। आज अनुराग कुटलहर के ढोगी पहुंचे, जहां पर भाजयुमो द्वारा नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत आयोजन किया गया था। और इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, ऐसे में इन युवाओं को सुरक्षित करना सरकार का पहला कर्तव्य है। युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेना चाहिए, इन्होंने कहा है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करूंगा। तो एक बड़ा दावा किया है कि पिछली बार मैं थोड़ा कम मतों से जीता था, लेकिन इस बार जो है वो अधिक मतों से जीतूंगा। और जो मोदी की गारंटी है उसी को लेकर के जनता के बीच जो है वो कार्यकर्ता जाएंगे और बड़े मार्जिन से जो है वो जो 4 सीटें हैं वो भाजपा की झोली में डालेंगे, ये उन्होंने दावा किया है जी। इसके अलावा बात करें आदर्श आचार संहिता को लेकर के, तो अभी की जो सबसे बड़ी और जो बिग ब्रेकिंग है पूरे देश में कल आचार संहिता लगेगी। इसको लेकर के जो है वो पूरी संभावना है कल से आचार संहिता लगेगी, क्योंकि कल 3 बजे चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस वार्ता बुलाई है। तो ये मान के चलिए जो ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है, तारीख का ऐलान भी होगा, इसके अलावा जो है वो आदर्श आचार संहिता भी कल लग सकती है। यह प्रेस वार्ता प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगी और इसको लेकर बाकायदा आज जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। तो कल होनी है जी जो आचार संहिता है वो कल लग जाएगी 3 बजे के आसपास से लगने की संभावना। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, JIT 817 के जितने भी अभ्यर्थी है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लगभग 4 साल होने को आ गया था और इनका रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया था, और अब सरकार ने कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है, इनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। बीते कल ये सीएम से मिले शिमला में ओकओवर में और सीएम का इन्होंने थैंक्स किया, लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि JIT का जो रिजल्ट है उसको घोषित होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हमीरपुर राज्य चयन आयोग, जिसको आप कह सकते हैं जो हमीरपुर में ही बनाया गया है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, वो रिजल्ट तैयार करेगा। फिलहाल 1400 अभ्यर्थियों की जो इवेल्युएशन है वो हो गई है और 4000 की पहले ही हो चुकी थी, और ऐसे में अब हमीरपुर आयोग पर सरकार ने छोड़ दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन ये जरूर है कि इसका जो रिजल्ट है वो मई महीने से पहले निकाला जाना चाहिए, ये आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और इवेल्युएशन को लेकर आयोग जो है वो बदलाव भी कर सकता है और शुरू से भी जो है वो इवेल्युएशन हो सकती है। फिलहाल जितनों की हो गई है वो तो चलो हो ही गई है, अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो राज्य चयन आयोग पर डिपेंड है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो मई माह तक निकलेगा। इसमें जो आदर्श आचार संहिता है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको मालूम है ये जो फैसला है ये पहले ही हो गया है और ये जो है वो एक कह सकते हैं प्रोसेस भी हमें चलता रहेगा और वहां से रिजल्ट आएगा इसको लेकर के। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम आज से कम हो गए हैं और शिमला समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल अब 2 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। आज शिमला में आपको हमने तस्वीर भी दिखाई थी इनको कि कैसे लोगों का क्या कहना था उसको लेकर के, और लोग ये भी कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल और सस्ता होना चाहिए, कम से कम 10-15 रुपए सस्ता होना चाहिए, और लोगों का ये भी कहना था कि जिस प्रकार से चुनाव के बीच में ये होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे पीछे प्रॉपर वे में जैसे 2 रुपए कम कर दिया है तो ये परमानेंट होना चाहिए, लोगों ने कहा था। और इसी बीच जो आज रेट है शिमला में, पेट्रोल का रेट आज शिमला में था 94.99 रुपए और इसके अलावा जो डीजल है वो था 87.08 रुपए और इसमें जो है वो देखिए माफी चाहूंगा, इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, इसमें 2-2 रुपए कम हो गया है। तो शिमला में जो रेट है वो हमने बता दिया है आपको, पेट्रोल का अलग है डीजल का अलग है। पहले पेट्रोल जो है वो 96.95 रुपए था और डीजल जो है वो 88.92 रुपए था, अब ये हो गया है 94.99 हो गया है और डीजल जो है वो 87 रुपए हो गया है जी। तो डीजल उसका हमने बता दिया आपको क्या क्या रेट रहा है शिमला में। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और उन्होंने जो है वो पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और पूरी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से साबित किया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित व सुविधा ये जो है वो उनका मूल मंत्र है और यही उनका लक्ष्य है, जिसके चलते ये जो रेट है वो कम हुए हैं। तो 2 रुपए लीटर कम हो गया जी पेट्रोल डीजल, अगर आप भरेंगे तो आपको रेट कम नजर आएंगे। आज सुबह 6 बजे से ये जो है वो लागू हो गया पूरे देश के अंदर। इसके अलावा बात करें CNB और जो JBT शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत मिल
गई और कैसे राहत मिली है, इनको लेकर के जो 5% ट्रांसफर छूट में अब जो शिक्षक हैं जो वो म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं, जो शिक्षकों का जो म्यूचुअल तबादला है वो 5% छूट में नहीं जुड़ेगा। जो 5% ट्रांसफर छूट है उसमें जो शिक्षकों का म्यूचुअल जो होता है तबादला वो नहीं जुड़ेगा, और सरकार ने इसको लेकर के आज आदेश जारी कर दिए हैं। लगभग 30,000 से 35,000 शिक्षकों को इसकी राहत मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। और एक बार ट्रांसफर होने के बाद, हालांकि इसमें जो एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि एक बार जिसकी ट्रांसफर हो गई वो फिर जहां पर उसकी ट्रांसफर हुई है 3 साल तक उसको वहीं पर रहना होगा। अगर कोई रेयर टू रेयर केस आता है तो ऐसे केस आने पर उसे उसके गृह जिला भेज दिया जाएगा, और ये जो है वो जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वहीं भेज दिया जाएगा। बाकी जो है वो अगर जहां पर ट्रांसफर हो जाती है वहां पर जो है वो फिर उसको 3 साल रहना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आपने चूज कर लिया कहां जाना है और म्यूचुअल ट्रांसफर है फिर आपको वहां पर 3 साल रहना पड़ेगा। लेकिन छूट यही है कि जब म्यूचुअल ट्रांसफर हो रही है आपको मालूम है तो फिर वो जो 2 व्यक्ति है वो इस प्रकार की सहमति बनाते हैं कि आप वहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, आज 8 पुलिस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं प्रदेश सरकार ने। हालांकि इसकी जो अधिसूचना है वो देर रात को आ गई थी और देर रात को जो है वो बड़ा फेरबदल हुआ है पुलिस विभाग में। HPS काडर के जो 8 पुलिस अधिकारी है उनके तबादले किए गए हैं, जबकि 5 अन्य को जो है वो तैनाती दी गई है। और जो आदेश जारी किए हैं इसमें जो निश्चित सिंह नेगी है कमांडेंट होमगार्ड कुल्लू, अब इनको जो है वो लगा दिया गया कुल्लू में। और जो ASP विनोद कुमार है कमांडेंट होमगार्ड चंबा, SP भूपेंद्र सिंह नेगी अब जो है वो SP सुरक्षा के जो CID का जिम्मा है वो शिमला में देखेंगे। और जो ASP आशीष शर्मा है इनको ASP स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला लगाया गया है। और जो ASP रमेश कुमार है इनको ASP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगाया गया है, जो इनको नया स्टेशन मिला है। ASP प्रथम बनगढ़ अमित शर्मा को ASP स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन जो है वो ब्यूरो सिरमौर लगाया गया है। वहीं स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन की ASP श्वेता को तृतीय IRB पंडो का ASP लगाया गया है। और स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सिरमौर के ASP तरनजीत सिंह को जो है वो प्रथम IRB बनगढ़ का ASP लगाया गया है। और जो DSP ट्रेनिंग कॉलेज PTC डरो कुलदीप कुमार हैं इनको अब स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन के DSP की जो तैनाती है वो मिल गई है, DSP होंगे वहाँ के ये। और इसके अलावा जो DSP ट्रेनिंग कॉलेज PTC डरो के जो DSP है राम प्रसाद जसवाल इनको ज्वालामुखी भेज दिया गया और वहाँ पर इनको नया DSP लगाया गया है। और DSP इंटेलिजेंस शिमला कमल किशोर को SR शिमला में DSP स्टाफ अधिकारी लगाया गया है। तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी जिनके तबादले हुए हैं कहाँ इनको तैनाती मिली है वो आपको हमने संक्षेप में बता दिया है। आज CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई जुबानी हमले बोले हैं और ये जुबानी हमले हैं ये बोले गए हैं बागियों पर। देखिए CM ने क्या कहा है आज, अगर हाथ का निशान न होता तो ये जो 6 बागी विधायक हैं ये कभी भी नहीं जीतते। सराहन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज गए थे, रामपुर बुशहर में सराहन जगह पड़ती है, वहां पर सुक्खू के निशाने पर आज 6 बागी विधायक थे जो विधायक नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और आज CM ने कहा है कि पैसे के दम पर मांस मान पार्टी को इन्होंने बेच दिया और इनको जो है वो जनता कभी माफ नहीं करेगी। बागी विधायकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो रवैया है वो लगातार कड़ा होता जा रहा है और रामपुर दौरे के दौरान उन्होंने आज ये बड़ी बात कही है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हाथ का निशान नहीं होता तो ये विधायक भी नहीं बनते। और इन्होंने जो बड़ी बात कही है कि पार्टी को बेच दिया और पार्टी जो है मांस मान होती है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्होंने न केवल पार्टी के साथ दगा की है बल्कि सरकार को गिराने में भी हिलाने घेरा है। और भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा पैसों के दम पर प्रदेश में अराजकता का जो माहौल है वो बनाना चाह रही है और सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के जब राज्यसभा के चुनाव हुए और उसमें जो है वो साफ था कि यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार जीतकर जो है वो केंद्र में जाना था, लेकिन भाजपा ने पैसों का प्रलोभन देकर यह आरोप लगाया उन्होंने इस सीट को अपने पक्ष में किया है, जिसमें हमारी पार्टी के कुछ जो लोग हैं वो निशान पर चुनाव जीत कर आए और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो उनका दामन थाम लिया, उनका साथ दिया और जिसके चलते जो है वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जो है वो हार गया हमारा प्रत्याशी। और CM ने कहा है कि जो बागी है इन पर जो आगामी समय में जब ये वापसी आएंगे तो इनके जो जनता है वो इनको सबक सिखाएगी, ये इन्होंने कहा है। तो कुल मिला के देखें आज CM ने फिर जुबानी हमला बोला है और लगातार जब भी CM कहीं पर जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, आज ठियोग भी गए थे CM, रामपुर भी गए थे और वहाँ पर करोड़ों की जो सौगात
हैं वो जनता को उन्होंने दीजिए। आज कई जो परियोजनाएं हैं उसके उद्घाटन किए, कई जो परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास उद्घाटन और जो है वो कह सकते हैं आप जो नींव का पत्थर है वो उन्होंने रखा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर आज सोलन से आई है सामने, और यहाँ पर पति ने पत्नी की हत्या कर खुद की भी खुदकशी कर ली। देखिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर है, बहुत दुखदायी खबर भी है। देखिए किसी व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुद खुदकुशी कर ली। यानी अगर खुद जो है वो खुदकुशी करनी थी तो उसको क्यों काटा, ये बहुत जो है वो कह सकते हैं बड़ा सवाल है। लेकिन ये मामला है, ये थाना कसौली में उप प्रधान ग्राम पंचायत जो है वो कोर्ट भेजा ने थाना कसौली में जो है वो सूचना दी कि गांव जामली में जो एक कसौली के अंतर्गत एक पंचायत आती है, गांव है जामली, यहां पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाई है तथा साथ ही एक महिला भी खेत में मृत अवस्था में पड़ी है। जिस सूचना पर पुलिस थाना कसौली की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और मौके की जो तस्दीक करने पर पाया गया कि जो मृतक है इसका नाम तारा सिंह, इसकी उम्र 50 साल थी, जो उत्तराखंड जिला चंपावत का जो है वो जो इनकी पत्नी थी वो जिला चंपावत उत्तराखंड, इसकी जो उम्र है वो 20 साल उम्र थी इसकी, और अक्टूबर 2023 से ये गांव जामली में खेतीबाड़ी का काम करते थे। और इस संदर्भ में थाना कसौली में जो है वो हत्या की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है ये उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर ये काम करते थे। और पिछली रात को आरोपी तारा सिंह ने किसी बात पर मृतका विनीता के जो विनीता है जिसकी पत्नी है उसको डंडे से उसने मारा और उसकी हत्या गई। और उसके बाद जब उसको लगा कि कहीं ना कहीं जो है मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर उसने खुद खुदकुशी कर ली। और अब इस पूरे मामले पर जो जांच है वो पुलिस कर रही है, बहुत दुखदायी खबर है। देखिए खुद तो जो है वो कह सकते हैं आप मर गया वो व्यक्ति और खुदकुशी कर ली, लेकिन उसने अपने साथ जो बहुत दुखदायी खबर है वो ये कि अपनी जो पत्नी है उसको मौत के घाट उतारा। तो ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसको कह सकते हैं आप देवभूमि कहा जाता है, वहां पर ऐसी घटना होना सच में शर्मनाक है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, प्रदेश में जो मौसम है वो अगले 4-5 दिन साफ रहेगा और जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से केवल जो ऊंची चोटियां हैं वहीं पर मौसम खराब बना रहेगा, बाकी जगहों पर जो मौसम है वो साफ रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे जो नई खबरें हैं उसको लेकर के आएंगे। बाकी जो पोस्ट कोड है 980 जो अन्य पोस्ट कोड है इसको लेकर के जो कैबिनेट सबकमेटी है वो इस पर फैसला लेगी और संभावनाएं हैं क्योंकि कल जो है आदर्श आचार संहिता लगने वाली है तो सुबह जो है वो कैबिनेट बैठक हो सकती है, तो इसको लेकर के उसमें ही फैसला होगा जी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।